हाँ दिया, दो बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। मुंबई के डोंबिवली में गुरुवार को केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में अब एक नया वीडियो इसका सामने आया है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना खौफनाक होगा। विस्फोट की वजह से आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। यह तस्वीर फैक्ट्री के ही दफ्तर की है, जहां पर दो लोग बैठे हुए थे और अचानक हुए विस्फोट से दफ्तर की खिड़की के शीशे टूट गए। एक धमाके में 6 लोगों की मौत और जबकि 100 से भी ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिनका अब भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह विस्फोट बॉयलर के फटने से हुआ। अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या बॉयलर नियमों के तहत लगा हुआ था या फिर नहीं, लेकिन यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। बताया जा रहा है कि इस धमाके का असर आसपास के 4 किलोमीटर तक हुआ है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, धमाके की यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है, कितना व्यापक इसका असर हुआ है, क्या कुछ वजहों का पता चल पाया है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने। देखिए ये पूरी घटना कल मुंबई से सटे डोंबिवली की है, जहाँ पर एक प्रोमैक्स केमिकल कंपनी है, उसमें एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से धमाके की गूंज लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक गूंजी है और आसपास की जितनी भी इमारतें थी, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, वो पूरी तरह से बिल्डिंग में क्रैक आ गए थे। लेकिन एक नया जो सीसीटीवी सामने आया है, हम आपको बताना चाहेंगे, ये सीसीटीवी जिस केमिकल ब्लास्ट में धमाका हुआ है वहां से तकरीबन 500 या 600 मीटर की दूरी पे एक प्राइवेट ऑफिस है, उसकी दूरी के बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह एक शीशा जोरदार धमाके की वजह से टूटता है। और ये जो एक प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी में 2 लोग आराम से काम कर रहे होते हैं, जैसे ये धमाका होता है एक बड़ा सा शीशा टूटता है, जिसकी वजह से दोनों लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, उनका समझ में नहीं आता कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। तो कुछ और सीसीटीवी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार और कहाँ कहाँ ये पूरे धमाके हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 24 घंटे होने के बावजूद भी इस पूरे मामले में जो प्रोमैक्स के मालिक हैं, जिसमें उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनका बड़ा बेटा है, ये 3 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें और पुलिस का मानना है कि शायद ये 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हों। उनकी कोशिश की जा रही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि इन 3 लोगों का पता चल सके। प्रशांत, यानी अभी कुछ और लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर क्या कुछ अब तक बताया गया है इससे नुकसान को लेकर, हताहतों के बारे में? प्रशांत, देखिए आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि हो गई है कि जो KDMC है, जो कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और साथ ही साथ जो थाने पुलिस है, उन्होंने अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है और साथ ही साथ 119 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, इनका इलाज थाने के 4 अलग अलग सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं, उनकी पुष्टि की है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से जो 3 लोग नहीं मिल रहे हैं, जो खुद केमिकल के मालिक थे, और सूत्रों का बताना है कि जहाँ ये बॉयलर ब्लास्ट हुआ था ठीक उसके ऊपर ही या उसके पास ही उनके केबिन बने हुए थे, जिसकी वजह से ये 3 लोग अभी भी लापता है। तो एनडीआरएफ की टीम और जो फायर ब्रिगेड वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, उनका अनुमान है कि शायद ये 3 लोग बिल्कुल पलवे में दबे होंगे और इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें बेहद खौफनाक।